हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हरियाणा के 22 जिले बना दिए थे और 22वां जिला हमने डिस्कस किया था बच्चे कि चरखी दादरी बना है, जो कि किससे अलग होके बना है, तो भिवानी से अलग होके बना है। और HSSC ने जो बनने की तारीख मानी है वो 16 नवंबर मानी है। एक एग्ज़ाम में उसने पूछा था, मैंने बताया भी था कि 16 नवंबर 2016 को हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना है, तो आंसर होगा चरखी दादरी। परंतु जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो तारीख दी गई है वो 1 दिसंबर दी गई है। अगर पेपर में दोनों तारीख मिलती हैं ऑप्शन में तो आपने 1 दिसंबर मानना है, ठीक है। और हमने बात भी की थी कि चरखी दादरी हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील है। आशा करता हूँ कि वो सारे जितने भी जिले कब बने वो सब आपको याद हो गया होगा। और कुछ एक उसमें इम्पोर्टेंट है जैसे याद रखना, जो कि काफ़ी बार पूछता है कि 1989 के अंदर सीधे 4 जिले बने थे, है ना। कैथल था, रेवाड़ी था, यमुनानगर था, पानीपत था। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई होगी कि पानीपत जिला ऐसा जिला है जो कि 2 बार जिला बना है ना बच्चे। मैं एक बार बता देता हूँ, 1989 के अंदर पानीपत को करनाल से अलग कर लिया गया था। भाई ये सवाल HSSC में पूछा गया है भी, ऐसा कौन सा जिला है जो 2 बार जिला बना है, तो आंसर हो जाएगा पानीपत, है ना। 1989 के अंदर इसको करनाल से अलग करके एक जिला बना लिया गया था। और फिर से 1991 के अंदर, 1991 के अंदर पानीपत को फिर से शामिल कर लिया था। किसमें शामिल कर लिया था बच्चे, तो करनाल में फिर से शामिल कर लिया गया था 1991 के अंदर। परंतु फिर से 1992 के अंदर, 1992 के अंदर इसको फिर करनाल से हटा के एक अलग सेपरेट जिला बना दिया था, किसको, पानीपत को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पानीपत कितनी बार जिला बना बच्चे, 2 बार जिला बना था, है ना। एक बार फिर से, 1989 को सीधे 4 जिले बने थे, बताया था ना। लास्ट 79 में एक फरीदाबाद जिला बना था जिसका कि क्षेत्रफल सबसे कम है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 1989 के अंदर पानीपत को करनाल से अलग करके एक जिला बना दिया था सेपरेट, 91 में फिर से ऐड कर दिया करनाल में, 92 में फिर से सेपरेट कर दिया और पानीपत एक जिला। तो सवाल ऐसा आएगा सीधा साधा सा कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 बार जिला बना है, तो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ क्या, पानीपत, जिसे बुनकरों का शहर भी कहते हैं। अभी पानीपत को युद्ध का अखाड़ा भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जिसमें 3-3 युद्ध लड़े गए हैं ना, पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं। चलिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके से, हरियाणा का परिचय। परिचय में हम क्या पढ़ेंगे कि हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, है ना, राजकीय भाषा कौन सी है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय फूल कौन सा है। यहाँ से 1 या 2 सवाल पक्का पूछे जाते हैं, अभी हर बार आते हैं, तो बहुत डिटेल में हम इसको जानेंगे। चलिए सबसे पहले राजकीय पक्षी की बात कर लेते हैं हरियाणा का। हाँ, हेडिंग लगा लेना, हरियाणा का परिचय, जो किसी भी स्टेट की एक जो अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है ना, राजकीय पक्षी होते हैं, राजकीय पशु होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो राजकीय पक्षी की बात करते हैं सबसे पहले बच्चे, तो हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो है भाई काला तीतर। काला तीतर है ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, कितने तीतर, है ना। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, काला तीतर है। अच्छा, HSSC ने एक बार ये सवाल ऐसे भी पूछा था बच्चे कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो हिंदी के अंदर उन्होंने काला तीतर नहीं लिया था, इसका इंग्लिश में ही नाम लिखा हुआ था, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अभी ब्लैक फ्रेंकोलिन। फ्रेंकोलिन तो हिंदी में भी, इसको इंग्लिश में भी याद रखना और हिंदी में भी याद रखना भाई, दोनों जगह। ये सवाल ऐसे पूछा था कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है हिंदी के अंदर, है ना। तो उसके अंदर उन्होंने ऑप्शन में काला तीतर नहीं दिया था, उन्होंने ऑप्शन में यही दे रखा था बच्चे, ब्लैक फ्रेंकोलिन। मतलब हिंदी के ऑप्शन में भी उन्होंने ब्लैक फ्रेंकोलिन दे रखा था, काला तीतर नहीं दिया था। तो ये याद रखना कि हिंदी में काला तीतर है और इंग्लिश के अंदर क्या है, तो ब्लैक फ्रेंकोलिन है। इसका वैज्ञानिक नाम भी एक बार पूछा गया भाई, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है ना, इसका जो वैज्ञानिक नाम है बच्चे वो है फ्रेंकोलिनस। फ्रेंकोलिनस
ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है, हिंदी में इसका कुछ नहीं है, हिंदी में भी मैं यही लिखूंगा फ्रैंकोलिनस। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है फ्रैंकोलिनस है। इसका एक और नाम भी है, अन्य नाम भी है, ये भी याद रखना, एक और नाम, अदर नेम है ना, जैसे होता है ना कि एक जो बच्चा होता है ना उसका जो नाम है, एक तो ऑफिशियल नाम होता है राहुल, घर में उसको चुन्नू मुन्नू कुछ इस प्रकार से पुकारते हैं, ठीक वैसे इसका कुछ एक और नाम भी है, अन्य नाम भी है, अदर नेम, वो है भाई ब्लैक पैट्रिज, ब्लैक पैट्रिज है ना, ये इसका अदर नेम है, अन्य नाम है। और ये जो है, एक बार ये भी सवाल अच्छे से ने पूछा था कि ये पुराना सवाल है, ठीक है, इसमें कुछ नई चीज़ भी मैं आगे सिखाऊंगा कि काला तीतर की जन्म स्थली कौन सी है। और एक बार ये सवाल ऐसे करके पूछा गया था कि काला तीतर हरियाणा में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है बच्चे अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा के सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हम अलग से पढ़ेंगे भाई, जैसे अबूब शहर है, चिलचिला है, ये सब हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है अभी के लिए। हाँ, तो सबसे ज़्यादा ये सवाल ऐसे पूछा था कि काला तीतर की जन्मस्थली कौन सी है, तो आपको आंसर करना है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। या ये भी पूछ लेते हैं कि काला तीतर सबसे ज़्यादा हरियाणा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है, सॉरी, तो उसका आंसर भी क्या होगा, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य होने वाला है इसका। ये जो है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, अभी सबसे बड़ा, किसमें पॉपुलेशन वगैरह में नहीं, किसमें एरिया में सबसे बड़ा है, ठीक है, एरिया में सबसे बड़ा अबूब शहर है। कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे कि ये हरियाणा के किस जिले में है अभी, ठीक है, ये आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इससे रिलेटेड करंट में एक न्यूज़ ये है भाई, जो वन्यजीव अभयारण्य होते हैं इसके ऊपर गाइडलाइन ये है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है वो ये है कि इसके अंदर किसी भी निजी व्यक्ति की भूमि नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर जो भी लैंड है वो जो है वो सरकार के अधीन ही लैंड होनी चाहिए, किसी भी निजी व्यक्ति की लैंड नहीं होनी चाहिए, जमीन नहीं होनी चाहिए। तो इस वन्यजीव अभयारण्य के अंदर कुछ जो गांव वाले हैं उनकी जमीन भी थी भी, तो इस पे अभी केस भी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने इसको अब अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य की लिस्ट से हटा दिया और इसको बोल दिया भी कि ये अब कम्युनिटी रिजर्व एरिया होगा भाई, कम्युनिटी रिजर्व एरिया। अब ये हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पे अभी नोटिफाई नहीं किया गया, आगे जाके होगा ये, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड हैं, वकील हैं भाई, तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि अब ये जो अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है ये अब वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, ये अब कम्युनिटी रिजर्व एरिया बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ गांव वालों की भी जमीन है, और वन्यजीव अभयारण्य के लिए क्या होना चाहिए कि किसी भी निजी व्यक्ति की किसी की जमीन नहीं होनी चाहिए, जो भी जमीन है वो सरकारी जमीन पर होना चाहिए, है ना। इसी वजह से इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा छीन लिया जाएगा आगे, है ना, और इसको क्या बनाया जाएगा, कम्युनिटी रिजर्व एरिया। तो ये सारी बातें हमने जानी राजकीय पक्षी के बारे में, है ना, बहुत डिटेल में मैंने बताया कि ब्लैक फ्रैंकोलिन है, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम भी हमने जाना, एक और नाम भी है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा है। और ये सवाल ऐसे भी पूछा गया था कि काला तीतर की जन्मस्थली कौन सी है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आंसर यही होगा। और अब ये वन्यजीव अभयारण्य नहीं रहा, आगे ये नोटिफाई होगा हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पे, अभी नहीं है, तो ये क्या बनेगा आगे जाके, कम्युनिटी रिजर्व एरिया बनेगा अभी, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बच्चे लिखना है कि ये हरियाणा के किस जिले में है, ठीक है। तो ये था राजकीय पक्षी, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे राजकीय पशु। चलिए तो अब हम राजकीय पशु के बारे में पढ़ेंगे, मिटा रहा हूँ, चलिए यहाँ से बच्चे इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में पूछा ही गया है भाई, इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, और ये तो वैसे भी ठीक है, अगर तुम हरियाणा स्टेट में रह रहे हो तो वैसे भी ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो राजकीय पशु इसको डिस्कस करेंगे हम, राजकीय पशु जो है बच्चे काला हिरण है और नील गायें वगैरह ये मत मार्क कराना, राजकीय पशु हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पर, ऑफिशियल जो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट है वहाँ पे काला हिरन ही दे रखा है, तो वही आप मानो, बहुत सारे टीचरों ने ये गलत पढ़ा रखा है कि नील गाय है, ठीक है, तो ये नहीं है,
काला हिरण है ना, तो राजकीय पशु है हरियाणा का काला हिरण। और इसको इंग्लिश में भी याद रखो बच्चे, क्योंकि मैंने बताया कि कभी कभार हिंदी में काला हिरण नहीं देगा, इंग्लिश में ही दे देगा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं भाई ब्लैक बक, BUCK, है ना, बक बक, ब्लैक बक है ना। तो काला हिरण राजकीय पशु काला हिरण है, नील गाय नहीं है, इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक बक। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये भी याद रखो, ये है भाई एंटीलोप, एंटीलोप सर्विकाप्रा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो यही है, एंटीलोप सर्विकाप्रा, है ना। चलिए, तो काला हिरण इंग्लिश में याद रखना, ब्लैक बग भी कहते हैं, हिंदी में ऐसा लिख के दे देगा बच्चे, खेल जाती है अच्छे से ऐसी, ब्लैक बग। तो इंग्लिश में याद रखना ब्लैक बग है और हिंदी में काला हिरण है, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एंटीलोप सर्विकाप्रा है ना। ये काला हिरण वही वाला काला हिरण है भी, जो वो आते हैं ना दबंग वाले भाई साहब, है ना, हुड़ दबंग वाले, बिग बॉस वाले, तो उन्होंने इन्हीं को मारा था भी काला हिरण, उन्हीं इसी केस पे, उन पे केस चल रहा था, और उनके खिलाफ जो है बिश्नोई समाज जो है भाई, ये जंगलों और जो वन्य जीव हैं इनसे काफ़ी लगाव रहता है बिश्नोई समाज का, तो बिश्नोई समाज ही सलमान खान के पीछे पड़ गया था, और केस हुआ था बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी गया था ये केस, है ना। तो काला हिरण वाला केस ही था वो, सलमान खान पे जो केस है, वो शूटिंग चल रही थी भाई फिल्म की हम साथ साथ हैं, तो उस दौरान भाई का मूड बन गया शाम को, तो इन्होंने काला हिरण को मार दिया था भाई, तो यही केस इन पे चल रहा था। तो याद रखना इनका वैज्ञानिक नाम है एंटीलोप सर्विकाप्रा, और इंग्लिश में भी याद रखना ब्लैक बक है भाई, ठीक है। काला हिरण के बारे में थोड़ा सा हम और भी जान लेते हैं कि भाई जो जब ये बच्चा होता है ना, मतलब स्टार्टिंग में, उस टाइम पे इनका जो रंग है, जो कलर है, वो सफ़ेद कलर होता है भाई, वाइट कलर का होता है, और जैसे जैसे फिर ये व्यस्क होता जाता है तो इसका कलर जो है वो डार्क होता जाता है, और फिर तैयार होता है, क्या तैयार होता है, काला हिरण तैयार होता है। और एक खास बात ये भी है कि जो नर होता है इसमें से, वो भाई काफ़ी सुंदर माना जाता है, और काफ़ी सुंदर होता भी है मादा की अपेक्षा, है ना, जानवरों में ऐसा ही है भाई इसमें, है ना, नर अधिक सुंदर है मादा की अपेक्षा। तो बच्चा जो होता है, जो काफ होगा, वो सफ़ेद कलर का होगा, सफ़ेद रंग का होगा, और जैसे जैसे वो व्यस्क होता जाएगा तो उसका कलर जो है वो डार्क होता जाता है, और वो, है ना। चलिए, तो सलमान खान पे यही केस था, काला हिरण वाला केस था, और बिश्नोई समाज ने ही केस किया था भाई, बिश्नोई समाज इन्होंने ही केस किया था। एक अच्छे से सवाल ये भी पूछा था कि गुरु जम्बेश्वर जी की मान्यता किस समाज में है, तो आंसर हो जाएगा बिश्नोई समाज में, ये भी याद रखना, गुरु जम्बेश्वर जी को काफी मानते हैं ये, गुरु जम्बेश्वर, तो इनकी मान्यता किस समाज में है, तो आंसर होगा बिश्नोई समाज में। और एक यूनिवर्सिटी भी है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार में है बच्चे, और कब बनी है, 1995 के अंदर, ठीक है, 1995 के अंदर। जब हम हिसार पढ़ेंगे तो और भी हम यूनिवर्सिटीज पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हिसार के बारे में, स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है, सब कुछ पढ़ेंगे अभी, है ना। तो ये हो गया अपना राजकीय पशु के बारे में, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब कुछ और बातें हमें डिस्कस करनी है, जैसे राजकीय खेल कौन सा है, है ना, राजकीय वृक्ष कौन सा है, पुष्प कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए मिटा रहा हूँ मैं, चलो। तो राजकीय पशु भी हो गया, राजकीय पक्षी भी हो गया, हिंदी और इंग्लिश में दोनों याद रखना बच्चे। राजकीय खेल देख लेते हैं, हरियाणा का जो राजकीय खेल है बच्चे, वो कबड्डी नहीं है, एक चीज याद रखना, ये भी बहुत सारे लोगों ने गलत पढ़ा रखा है और बहुत सारे बच्चों को भी गलत पता है इस बारे में। इस हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो है आपका कुश्ती, कबड्डी नहीं है अभी, कुश्ती है, याद रखना, ठीक है। राजकीय वृक्ष की अगर बात की जाए तो राजकीय वृक्ष है बच्चे पीपल, पीपल का पेड़ है। ये भी पूछा गया सवाल है कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल, और इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखा जाए तो वो है भी फिकस रैली जियोसा, फिकस रैली जियोसा।
ये इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, ये भी याद रख लेना, फिकस रिलीजियोसा। ठीक है, फिकस स्पीसीज वाले जो प्लांट होते हैं बच्चे, वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियों से वो वाइट कलर का लिक्विड निकलता है ना, दूध जैसा, जो आपने देखा होगा पीपल की पत्तियों को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से वाइट कलर का वो दूध से जैसा निकलता है ना, तो उन स्पीशीज वाले प्लांट को कहते हैं फिकस स्पीशीज वाले प्लांट। ठीक है, फिकस स्पीशीज भी कह सकते हो। तो अपना राजकीय वृक्ष है कौन सा है, पीपल है। पीपल के बारे में थोड़ा सा और भी जान लेते हैं भाई। पीपल के पेड़ के नीचे ही है ना बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, सबने नाम सुना होगा इनका, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुई थी। ठीक है, 29 साल की आयु में ये घर छोड़ देते हैं भाई, और 35 साल 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहीं पे एक चीज जान लो, एक महावीर स्वामी भी है भाई, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी भाई। इन्होंने 30 साल की आयु में घर छोड़ा था और इनको 42 साल की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, याद रखना बड़ा आसान है। देखो, महात्मा बुद्ध 29 साल की आयु में छोड़ते हैं तो 35 साल 6 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये 1 साल बाद छोड़ते हैं तो इनको कितने साल लगते हैं अभी, 12 साल। मतलब 1 साल घर रह गए ना, तो 6 साल एक्स्ट्रा लग गए इनको। ठीक है, तो ये 29 साल में 35 साल की आयु में ज्ञान की प्राप्ति, ये 30 साल में घर बार छोड़ते हैं और 42 साल में ज्ञान की प्राप्ति। और ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मुझे। हाँ, तो महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। और इसको पीपल को भाई इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट से बता रहा हूँ, बोधि वृक्ष भी कहते हैं अभी, बोधि वृक्ष है ना, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना, इसलिए इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और ये जो ओरिजिनल वृक्ष था, बोध गया में हुई थी ना इनको ज्ञान की प्राप्ति है ना, बिहार के गया में, तो इसको कटवा दिया था भाई। किसने कटवा दिया था, पुष्यमित्र शुंग ने कटवा दिया था। ये भी सवाल पूछा गया भाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट समझना, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान हम लिख रहे हैं बट ये सवाल पूछे जाते हैं भाई। पुष्यमित्र शुंग ने इस पेड़ को कटवा दिया था। किसको कटवा दिया था, पीपल के वृक्ष को कटवा दिया था भाई। बट अशोक ने पीपल के पेड़ की एक शाखा पहले अपनी जो उनकी पत्नी है, उनकी जो वाइफ है, उनको हाँ वो लेकर के चली गई थी, श्रीलंका लेकर के चले गए थे, उनको भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका में कलिंग युद्ध के बाद। तो हाँ, अपनी अशोक अपनी पत्नी और पुत्री को भेज देते हैं अभी इसकी एक शाखा लेकर, और श्रीलंका में आज भी ये पेड़ है उनका लगाया हुआ। और पुष्यमित्र शुंग ने इसको जाकर आगे कटवा दिया था। शुंग डायनेस्टी का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, है ना। और फिर दोबारा से इसकी शाखा मंगवाई गई थी और दोबारा फिर बोधगया में लगाया गया था भी पीपल का पेड़ उसी शाखा से। और ये श्रीलंका में भी आज भी है और बोधगया में भी आज भी है। ठीक है, तो हाँ याद रखना, राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या है, फिकस रिलीजियोसा, है ना। और एक चीज और है अभी, राजकीय खेल कुश्ती है और इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चे रेसलिंग। ठीक है, इतना तो बेसिक है, पता होगा रेसलिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको, लेट्स सी। एक राजकीय फूल की भी हम बात कर लेते हैं, पुष्प की भी बात कर लेते हैं अभी। राजकीय जो पुष्प है बच्चे अपना, वो है कमल का फूल, जिसे इंग्लिश में लोटस कहते हैं। चलिए, राजकीय पुष्प, या फूल लगा लो, ठीक है, राजकीय पुष्प है ना। तो राजकीय पुष्प है, कमल का फूल है, कमल आजकल खिल भी रहा है भाई, है ना। सेंटर में भी बीजेपी है, कमल है उनका चुनाव चिन्ह, और स्टेट में भी कोलेशन सरकार है बीजेपी और जेजेपी की, तो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल ही है। तो राजकीय पुष्प हरियाणा का कौन सा है, फूल कौन सा है, कमल है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोटस कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, HSSC ने एक सवाल ऐसे भी पूछा था कि हरियाणा में सर्वाधिक खेती किस फूल की होती है, तो उसका आंसर बच्चे कमल मत कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ टीचर इसको गलत पढ़ाते हैं या कुछ बच्चे भी इसको गलत ध्यान रखे हुए हैं कि राजकीय पुष्प वो रोज़ बोल देते हैं, मतलब गुलाब का फूल बोल देते हैं, गुलाब नहीं है बच्चे, कमल है। ठीक है, अच्छा एक सवाल HSSC ने ये भी पूछा था कि हरियाणा में सर्वाधिक खेती किस फूल की होती है,
तो सर्वाधिक खेती होती है बच्चे ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस। तो हरियाणा में सर्वाधिक खेती जिस फूल की होती है वो ग्लेडियोलस की होती है। अगर ये पूछेगा कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा ग्लेडियोलस की खेती होती है, तो वो अपना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है कौन सा है भाई, फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो सर्वाधिक खेती हरियाणा में किस फूल की होती है, तो ग्लेडियोलस की होती है। और कहाँ पर होती है हरियाणा में, तो फरीदाबाद में होती है। ग्लेडियोलस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, चलिए मैं मिटा रहा हूँ, लेट सी। इसके कुछ और नाम भी हैं, इसको स्वॉर्ड लिली भी कहते हैं, लिली फ्लावर भी कहते हैं। तो ये भी सवाल HSSC ने पूछा हुआ है कि स्वॉर्ड लिली या लिली फ्लावर किसको कहते हैं, हमें चलिए देखते हैं। चलिए ग्लेडियोलस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनता है कि इसका कुछ और नाम भी है, इसको जैसे लिली फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है, स्वॉर्ड लिली भी कहते हैं, वो हम जान लेते हैं। तो ग्लेडियोलस की खेती मैंने जैसे बताया कि सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ पर होती है, तो फरीदाबाद में होती है। ग्लेडियोलस, और हरियाणा में भी अगर पूछता है तो सबसे ज्यादा किस फूल की खेती होती है, तो तब भी ग्लेडियोलस ही होगा। और राजकीय फूल कौन सा है, राजकीय फूल कमल है, गुलाब नहीं है, भावुक नहीं होना, ठीक है। ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस जो है अभी ये लैटिन शब्द से बना है, लैटिन शब्द से वर्ड बना है ग्लेडियोलस, जो कि शब्द है ग्लेडियस। ग्लेडियोलस लैटिन भाषा के शब्द से बना है ग्लेडियस, जिसका मतलब होता है भाई स्वॉर्ड, हिंदी में जिसे कहते हैं तलवार। ये पूछा गया भी कि ग्लेडियोलस किस भाषा के शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के शब्द से बना, किस शब्द से, ग्लेडियस शब्द से बना है, जिसका मतलब है तलवार। यही क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये जो पौधा आप देखना इसकी इमेज भाई, ठीक है, वो तलवार के आकार की होती है, स्वॉर्ड के जैसी होती है, तो ग्लेडियस है ना, जिसका मतलब है क्या, तलवार। इसी वजह से इसे क्या भी कहते हैं अभी, स्वॉर्ड लिली भी कहते हैं, स्वॉर्ड लिली। इसका एक और नाम भी है LILY, स्वॉर्ड लिली भी कहते हैं, या इसी को क्या भी कहते हैं भाई, लिली फ्लावर, लिली फ्लावर भी इसी को कहते हैं। एक चीज और याद रखनी है बच्चे, ये भी पूछा गया सवाल है HSSC के अंदर कि ग्लेडियोलस की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, इसकी खेती का सबसे उपयुक्त समय, खेती का उपयुक्त समय, सर्वाधिक उपयुक्त समय ये होता है भाई अक्टूबर से नवंबर के बीच, ये सबसे अच्छा समय माना जाता है किसकी खेती के लिए, ग्लेडियोलस की खेती के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है बच्चे घरों में गुलदस्ते लगाने में, ठीक है, इनमें इनका गमले में यूज होता है, किसका यूज होता है भाई, ग्लेडियोलस का यूज होता है, ठीक है। तो एक चीज याद, राजकीय फूल है अपना कमल, सर्वाधिक खेती ग्लेडियोलस की किस जिले में, फरीदाबाद जिले में होती है हरियाणा में। और ग्लेडियोलस किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा से बना है, जिसका मतलब होता है क्या, तलवार। इसका एक और नाम भी है स्वॉर्ड लिली, ये पूछा गया सवाल है, और इसको क्या भी कहते हैं, लिली फ्लावर भी कहते हैं। एक लास्ट पॉइंट और है बच्चे, ये भी परीक्षा में ही आएगा, जो कि है हरियाणा की राजकीय भाषा। हरियाणा की जो राजकीय भाषा है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बच्चे, वो तो है अपनी हिंदी, और अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो बनाई थी वो बनाई है, कौन सी, अभी भी है पंजाबी। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा किसको मिला है, पंजाबी को मिला। और फर्स्ट कौन सी है, राजकीय भाषा हिंदी है। अगर ये सवाल ऐसे आता है कि हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है, ऑप्शन में अगर दोनों मिलते हैं तो आपको किस पे लगाना है, हिंदी पे लगाना है। अगर हिंदी ना मिले तो फिर कौन सी लगाओगे, पंजाबी पे लगाओगे। अगर ये पूछ ले हरियाणा की सेकेंड राजकीय भाषा कौन सी है, तो फिर क्या आ जाएगा, पंजाबी आ जाएगा। शब्दों का चयन बड़ा जरूरी है, सेकेंड राजकीय भाषा तो पंजाबी आ जाएगा। सिर्फ राजकीय भाषा क्या लगाओगे, अगर ऑप्शन में दोनों भी हो तो क्या लगाओगे, हिंदी का आंसर लगाओगे। अच्छा एक चीज याद रखना बच्चे, बंसीलाल जी जिन्हें हरियाणा के लोक पुरुष है ना, विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है भाई, उन्होंने बड़े ही, ठीक है, अलग मिजाज के आदमी थे। उन्होंने तमिल को हरियाणा की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकेंड राजकीय भाषा घोषित कर दिया था। हिंदी तो शुरू से ही है, परंतु बंसीलाल जी ने तमिल को हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज घोषित कर दिया था। बच्चे जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा पंजाब से भाषा के आधार पर अलग हुआ है ना, हिंदी भाषा के आधार पर हमें एक अलग राज्य मिला, हरियाणा मिला। तो उस टाइम पे भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का जो डिस्प्यूट था वो काफी बढ़ रहा था, और पंजाबी को फिर से सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज की
बनाने की बातें चल रही थी, तो बंसीलाल जी बड़े अलग मिजाज के आदमी थे, लोक पुरुष कहे जाते हैं, तो उन्होंने सेकंड लैंग्वेज का दर्जा किसको दे दिया था, तमिल को दे दिया था। तो ये सारी आज की कहानी है भाई, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्का बनते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। राजकीय पशु कौन सा है, तो काला हिरन, इंग्लिश में भी याद रखना ब्लैक बक है, ठीक है। और जो राजकीय पक्षी है वो काला तीतर है, सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, अबू शहर में पाया जाता है। इनके वैज्ञानिक नाम, इंग्लिश में नाम सब याद रखने हैं भाई। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो कमल है, लोटस है ना। राजकीय खेल कौन सा है, हरियाणा का राजकीय खेल सब हम डिस्कस कर रहे हैं। जब जब भारत के लेवल पे पढ़ोगे तो राष्ट्रीय पढ़ोगे, नेशनल, यहाँ पे राजकीय लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो राजकीय खेल कौन सा है, कुश्ती है, कबड्डी नहीं है, याद रखना। राजकीय पुष्प कौन सा है, कमल है। राजकीय वृक्ष कौन सा, पीपल है, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और हरियाणा में खेती सबसे ज्यादा किसकी होती है, ग्लैडियोलस की होती है। ग्लैडियोलस ग्लेडियस भाषा, ग्लेडियस वर्ड से बना क्योंकि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है तलवार। इसका एक और नाम भी है, स्वोर्ड लिली और लिली फ्लावर भी कहते हैं। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, सेकंड पंजाबी है। और बंसीलाल जी ने, याद रखना भी ये पूछ लेगा, हरियाणा के किस सीएम ने, किस चीफ मिनिस्टर ने तमिल को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बंसीलाल। और फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को हटाकर किसको लगा दिया, पंजाबी को लगा दिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, बहुत डिटेल में बच्चे पढ़ाया, इतना डिटेल में किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे पढ़ा है। आगे भी इसी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल के अंदर हरियाणा जी के, जैसा कि मैंने बताया वहाँ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, औरों को भी पहुँचाओ, ठीक है, कि ऐसा पढ़ा रहे हैं इतना डिटेल के अंदर। आज के लिए इतना ही बच्चे, चलिए बाय, थैंक यू।